सो हेलो गाइस, मैं सुनील शर्मा और आपके अपने स्टेरियो यूट्यूब चैनल किंग ऑफ एवरीथिंग बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये फाइनल वीडियो है लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह से की जाती है उस टॉपिक की फाइनल वीडियो ये है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप जो OBS स्ट्रीम लैब जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर किस तरह से सेटिंग्स रखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, जिसके की बहुत ही अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग हो, उसमें लैग वगैरह ना हो और आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिक के हिसाब से सेटिंग्स करनी होगी। ठीक है, आपको तो मैं बताऊंगा किस तरह का कंप्यूटर होगा, क्या स्पेसिफिक के हिसाब से कंप्यूटर और उसके हिसाब से क्या सेटिंग्स होने वाली है और इंटरनेट की क्या स्पीड होगी, तो आप क्या सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरी A to Z सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पूरी स्ट्रीम लैब की मतलब कि OBS स्ट्रीम लैब पूरी ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, पूरे 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं ये पूरे स्ट्रीम लैब के बारे में। ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोस हैं, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई है मैंने, तो आप जाके देख लीजिए। और ये फाइनल वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको खाली OBS की सेटिंग्स वगैरह खाली बताने वाला हूं। चलिए गाइस, अपने पीसी स्क्रीन में चलते हैं और पूरी सेटिंग्स के बारे में जानते हैं और किस हिसाब से मतलब जो उनका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, वो कैलकुलेशन पूरा चेक करेंगे क्या क्या होगा। अगर आपके कंप्यूटर की कुछ स्पेसिफिक अलग होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा, इंटरनेट की स्पीड अलग होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पे चलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे OBS स्ट्रीम लैब के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ये सब सेटअप के बारे में सब कुछ बता दिया है पिछले वीडियो में, तो आप ये सब देख लीजिए किस तरह से क्या क्या करना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो सेटिंग्स वगैरह है इनके बारे में हम जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ आपके इंटरनेट और आपके मतलब जो कंप्यूटर की स्पेसिफिक है उसके हिसाब से मैं सेटिंग्स रखने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दो चीज अगर आपकी बराबर होगी तो फ्रेंड्स आपकी स्ट्रीम जो है बहुत ही अच्छी होगी, उसमें कोई लैग वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपकी इंटरनेट के बारे में बात करते हैं, तो इंटरनेट स्पीड को चेक कर लीजिए पहले कि आपकी स्पीड है इंटरनेट की, तो स्पीड टेस्ट लिखेंगे तो फ्रेंड्स आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नीचे में अकोला का ये दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अकोला इसको ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आप इसको गो कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट इसका जो दिखाएगा उसके हिसाब से फ्रेंड्स आपको मतलब सेटिंग्स वगैरह रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि YouTube पे जैसे कि वीडियोस हम अपलोड करते हैं, ठीक है, तो एक अपलोड स्पीड अलग होती है, एक डाउनलोडिंग स्पीड अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपलोड स्पीड होगा हम उसको चेक करेंगे, ना कि डाउनलोड स्पीड को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपलोड स्पीड आने वाली है उसके हिसाब से हम सेटिंग करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मेरे को अभी यहाँ पे दिखा रहा है हमको मतलब कितनी अपलोड स्पीड है, उसके हिसाब से हम अपनी पूरी सेटिंग्स को रखेंगे हमारे इंटरनेट की स्पीड से। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे मैं देखिए अभी वाईफाई में यूज कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी स्पीड कम मिलेगी, अगर फ्रेंड मैं डायरेक्ट जो मेरा केबल है इंटरनेट का मतलब अर्थनेट जो केबल है फ्रेंड्स, अगर उसको डायरेक्ट मैं अपने इस पीसी के अंदर रखता तो फ्रेंड्स मुझे ज्यादा स्पीड थोड़ी मिल सकती है, उसके पिंग जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप वाईफाई का कम यूज करें, डायरेक्ट मतलब इंटरनेट का यूज करें, वहां से अर्थनेट का डायरेक्ट अपने पोर्ट में लगा के यूज कीजिए। ठीक है, ये मेरा मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए मेरे को अपलोड स्पीड जो मिल रही है मतलब लमसम में 6 MB/MBPS का मिल रहा है। ठीक है, 6 MB का मतलब उसको हम किलोबाइट में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो मतलब 6000 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 6000 मतलब हमें मिल रहा है 6 MB, 6000 KB का हमें वो मिल रहा है। ठीक है, स्पीड मिल रही है तो 6000 का हम यहाँ पे सेटिंग्स रखेंगे। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको 5-6 MB की स्पीड मिल रही है। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स हम अपने सेटिंग्स में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल जो है, ठीक है, यहाँ पे जनरल में आपको यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाती है, यहाँ पे अपलोड का जो है डेवलपर्स को आप देख सकते हैं, मतलब वहां से आप जैसे ही स्ट्रीम लैब को ओपन करेंगे ऑटोमेटिक आपका आईडी जैसे ही इसमें लॉगिन करें ऑटोमेटिक आपकी जो सेटिंग्स है वो आ जाएगी अपलोड करने के बाद। यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं और रिसेट कर सकते हैं, यहाँ पे सब पहले की जो अगर आपने डिक्शनरी वगैरह रखी होगी वो सब डायरेक्टर वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, तो वो ये तीन चीज है, एक रिसेट करने के लिए, एक अपलोड करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको रिस्टार्ट करना है अपने मतलब OBS को तो यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं इस क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करने को दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ इतना वो नहीं दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो OBS को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आउटपुट के सेटिंग्स में जो दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या क्या अगर मतलब चाहिए, अगर आप जब आउटपुट में क्या क्या चाहते हैं, जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग करें तो आप चाहें तो अपनी उस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर दें तो आपकी ऑटोमेटिक वैसी वैसी बहुत सारे फीचर्स है, रिप्लाई बंपर का भी स्टॉप दिया है। ठीक है, तो ये सब आउटपुट के हिसाब से आपको जो लगे यहाँ पे की
रिकॉर्डिंग व्हेन स्ट्रीम स्टॉप, जब हम लोग रिकॉर्ड करें मतलब यहाँ पे कुछ अलग दिया, ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ के लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको हम नहीं देखेंगे, हमको चाहिए कि हमारा लैग फ्री हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, तो इसकी हम सेटिंग्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स आपको ये और भी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, तो हमें ये इन सबको कुछ छेड़ना होना नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स आपको स्ट्रीम के ऊपर जब जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऑलरेडी यूट्यूब के साथ कनेक्ट हुआ है, अगर आप चाहें तो दो अगर मल्टी अगर आप चाहते हैं कि मल्टी स्ट्रीम करना है, यूट्यूब पे भी साथ में हो फेसबुक पे भी हो, तो यहाँ पे फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ओनली यूट्यूब पे खाली करता हूँ, तो यूट्यूब के लिए रखा हूँ यहाँ पे, जो आपकी इच्छा हो जिसके हिसाब से करना हो। यहाँ फ्रेंड्स आउटपुट में अब हम देखते हैं, तो आउटपुट में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो भी है सिंपल में यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको एडवांस कर लीजिए, एडवांस करने पे भी अच्छा है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे और बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो इनकोडर है यहाँ पे ऑडियो ट्रैक वन ही रहने दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक ही आप ऑडियो रखते हैं, बाकी और सब वो ऑडियोस वगैरह जो बैकग्राउंड वगैरह होता है वो ऑटोमेटिक बजता है, डेस्कटॉप वगैरह ये सब आ ही जाती है, ठीक है। तो दो माइक तो यूज करने वाले नहीं है, एक ही यूज करने वाले, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो ट्रैक वन रखिए, फिर यहाँ फ्रेंड्स आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो है फ्रेंड्स इनकोडर मोड, यहाँ पे अगर आपके अंदर एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड है, कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है, तो फ्रेंड्स आप इसको यूज में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर मैं इस पे भी यूज करता हूं, मेरा ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है, तो आपकी कंप्यूटर के हिसाब से अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो फ्रेंड्स आप इन दोनों में से यूज कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही उसको भी छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो ये है फ्रेंड्स इसको सीबीआर में ही रहने दीजिए, चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूट्यूब है वो सीबीआर को मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही रहने दीजिए। और यहाँ फ्रेंड्स बिट रेट का ऑप्शन है जो कि वीडियो क्वालिटी को ऊपर दर्शाता है, ठीक है। तो बिट रेट फ्रेंड्स आपको क्या रखना है मैं बताता हूँ। देखो गाइस मैंने आपको नेटिव स्पीड चेक कराया, तो वहां पे फ्रेंड्स आपको 6 MB पर सेकंड मेरे को मिल रहा था, ठीक है। 6 MB यानी कि 6000 किलोबाइट, ठीक है, इतना सिंपल। तो 6000 में फ्रेंड्स आप जो आपका गेम वगैरह है वो सब 30% तो यूज में ले लेता है, मतलब 70% आपको नेट यूज करने फ्री मिल जाता है अपलोडिंग में, ठीक है। तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं आपकी जो और भी बैकग्राउंड में डेटा जो चलती है फ्रेंड्स, वो 30 नहीं तो वो भी 20% तो यूज में लेती ही लेती होगी गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीजें अपलोड होती रहती है इंटरनेट पे हमारे, डाउनलोडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, अपलोड स्पीड मेन चीज है, ठीक है। यहाँ पे अपलोड का ही पूरा खेल है, तो उसके हिसाब से मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अगर 6 MB मिल रही है तो मुझे टोटल यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 MB छोड़ दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो मुझे 5 MB यानी कि मैं 5000 यहाँ पे बिट रेट रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि 1 MB इक्वल टू 1 KB मतलब 1 MB इक्वल टू 1000 KB होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से 6 KB हो गया, 6000 KB का हो गया, ठीक है। तो किलोबाइट्स का हो गया, वैसे ही आप समझ लीजिए गाइस, ठीक है, किलोबाइट्स के हिसाब से। तो यहां पे आपको सिंपली आपको रखना होगा, अगर मेरा 5000 तो यहां मैं 5000 तक आ जाता है तो मैं यहां 5000 भी रख सकता हूं, ठीक है। यहां पे 5000 भी रख सकता हूं मैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपके नेट के हिसाब से, अगर उसका मतलब आप 50 भी यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधा रखूंगा तो भी बहुत ही अच्छी मेरे के साथ 120p की मेरी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो पाएगी, ठीक है। तो ये सब उसके हिसाब से आप रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी नेट स्पीड है उसके हिसाब से यहाँ पे आप रख दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 4000 भी रख सकते हैं, 4000 ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 4000 रख दे रहा हूँ, बाकी 2 MB छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप भी रख दीजिएगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये फ्रेम है इसको फ्रेंड्स आउटो रख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो एक या दो ही रखिएगा, इससे ऊपर कुछ मत कीजिएगा, ऐसे आउटडोर रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एक या दो ही रखिएगा, उससे ऊपर मत लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक YouTube का ही मतलब यहाँ पे आप जब यहाँ पे जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी जब पूरी सिस्टम पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ YouTube किस किस पे मतलब कितने किलोबाइट्स पे ये सपोर्ट करता है लाइव स्ट्रीमिंग। देखिएगा यहाँ पे अगर 4K आपको करना होगा तो यहाँ पे आपकी जो वीडियो किलोबाइट्स KB जो होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 20,000 से लेके 51,000 तक की होनी चाहिए, मतलब कि बहुत ज्यादा हो जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी किलोबाइट्स की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 4K पे करना है तो यहाँ पे आपको दिख जा रहा है 13,000 से 34,000 KBPS की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये अलग चीज यहाँ पे मतलब, और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपलोड स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए 9,000 से 18,000 की KBPS है। लेकिन अब हम अपने लिए अपने हिसाब से चेक करते हैं, जो हमारा है हमारा 6 MB पर सेकंड की अपलोड आ रही है, मतलब कि 6000 KB की है। तो 6000 में फ्रेंड्स हमको ये मिल जाती है, मतलब हम 1080p की हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1080p रख सकते हैं, वो भी 30 FPS की, ना
की 60 FPS की ना है फ्रेंड, यहाँ पे आप चाहे तो मतलब ये रखिए या फिर 720 की और 60 FPS वाला भी रख सकते हैं। इन दोनों में मेरे हिसाब से मेरे को ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ये 6000 के अंदर में ही आएगा, ठीक है। ये भी उतना ही है बट 3000 से ज्यादा की ज़ूम लेगा। तो आप इन दोनों में जो आपकी इच्छा हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका स्पीड 6 MB/s आ रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे वो सब सेटिंग है, तो यहाँ पे आपको ये सब फिलहाल ऐसे ही रहने देना है, इसमें कुछ भी कुछ वो नहीं करना, अलग नहीं करना, ठीक है यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये भी है रिकॉर्डिंग वगैरह का भी है, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह, तो ये सब भी नहीं, मैं यहाँ पे खाली आपको और जो ऑडियो है आप इसको चाहे तो बीट रेट 128 KBPS कर सकते हैं, ठीक है 128 भी रख सकते हैं या फिर 160 का मेरा ऑटोमेटिक लिया हुआ है तो ये भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, बम्पर जो है यहाँ पे आप 20 सेकंड की, अगर आप चाहते कि 20 सेकंड आप यहाँ वीडियो जब चलाए यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करें तो 20 सेकंड बाद आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होती है, ठीक है 20 सेकंड मतलब इसके बीच में वो रहता है, ठीक है बफर रहता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको चाहे तो कम कर सकते हैं या फिर ऑटो रहने दीजिए फ्रेंड, ऑटो ही ज्यादा बेटर काम करता है ये, ठीक है। तो इसमें भी ज्यादा छेड़ी वड़ेगा नहीं, इसको भी इसको आप सिंपली डन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 2500 रखा था, ठीक है यहाँ पे मतलब मैंने कितना 4000 रखा है मैंने, तो उसके हिसाब से अभी हमें आउटपुट में यहाँ पे 4000 हमने रखा था। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप वीडियोज में जाएंगे, वीडियोज में आगे जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इसको सिलेक्ट कर लीजिए 1980 और यहाँ पे ये आउटपुट जो है फ्रेंड्स ये जो है ये मेन है। यहाँ पे अगर आपने 720p का हमने सिलेक्ट किया, ठीक है क्योंकि मैं इतना तो नहीं करेंगे हम लोग, इतना 720p का कर देते हैं, ठीक है क्योंकि ज्यादा हम लोग को बेटर चाहिए, ठीक है क्वालिटी। और यहाँ पे 60 FPS कर सकते हैं क्योंकि उसमें सेटिंग्स के हिसाब से मेरा यही लगा कैलकुलेशन फ्रेंड्स। और पीसी की स्पेसिफिक क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली खाली एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड होगा तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो मैंने बताया था आपकी यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स रिकॉर्डर मोड, इसको आप एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड होगा तो ये यूज कीजिए, या फिर आप फ्रेंड्स सिंपली जो डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है उन्हीं सभी को यूज कीजिएगा, ज्यादा इसमें वो मत कीजिए नहीं तो आपका वीडियो में जो होगा फ्रेंड्स वो खराब हो सकता है, मतलब मतलब क्वालिटी बिगड़ सकती है और लैग वगैरह बहुत ज्यादा करने लगेगा, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। और यहाँ फ्रेंड्स होट की वगैरह ये अपडेट में आ चुका है, ये ओवरली गेम के साथ ये दोनों का काम है, ठीक है जिससे आप देख सकते हैं चैट वगैरह आप अपने गेम में, ठीक है। तो ये अलग चीजें हैं, इनको मैं ये एक अलग टॉपिक बन जाता है तो भी मैं आपको दिखाऊंगा इन सब का क्या यूज है, ठीक है। वीडियो इन दोनों के बारे में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, चैट बोर्ड। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे सिंस और कलेक्शन वगैरह है जो कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी सेटिंग्स वगैरह, ठीक है तो वो सब ये है। और यहाँ फ्रेंड नोटिफिकेशन वगैरह है और यहाँ पे दूसरा ब्रेंस का ऑप्शन है, ठीक है। ये डार्क वगैरह मतलब इसको आप डे में करना चाहते हैं नाइट में करना चाहते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। तो आप ये सब थीम्स वगैरह ये OBS का पूरा सेटिंग्स वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसको आप इसको भी मत वो कीजिएगा। और यहाँ पे फेस मास्किंग का है, ठीक है। तो ये फेस मास्किंग क्या होता है फ्रेंड, फेस मास्किंग मतलब कि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आपकी स्ट्रीम है गाइस, ठीक है यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ गेम के अंदर, ठीक है गाइस यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है गाइस यहाँ पे अगर यहाँ पे चाहते हैं आप मास्क लगाना तो जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी बोले लेकिन यहाँ पे मास्क आ जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर आपको ये सब्सक्राइब करे तो आपको अलग मास्क हो जाए, तो ये एक अलग प्रोग्रामिंग हो जाता है। मैं वो सब भी आपको फेस मास्किंग के बारे में बताऊंगा कि मतलब आप अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है तो आप इसका यूज कर सकते हैं फेस रिवील के बिना ही, और बहुत ही जबरदस्त है, इसके अंदर बहुत सारे फेस मास्किंग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही जबरदस्त सेटिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमें अंदर मतलब मिल जाते हैं सेटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब भी ऐसी फेस मास्किंग का भी एक बहुत बड़ा वीडियो है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स रिमोट कंट्रोल का जो ऑप्शन आता है ये अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप अपने ये सब सेटिंग्स को देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है मोबाइल के थ्रू भी, ठीक है। तो ये इतनी बस यही सब सेटिंग्स थी फ्रेंड्स, आपको बस आपके इंटरनेट का ध्यान रखना है, एक बार चेक कर लेना इंटरनेट स्पीड क्या है। इंटरनेट स्पीड चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो निकल रही है उसको केवी में कन्वर्ट कर लेना है किलोबाइट्स में, ठीक है। तो केवी में जैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना जो वीडियो का बिट रेट है, ठीक है जो वीडियो का है फ्रेंड्स उसको खाली सेटिंग करना बराबर रखना है जिससे कि आप अच्छी क्वालिटी में वीडियो को अपलोड कर सकते हैं विदाउट लैग वगैरह के, ठीक है। यही सब चीजें बस फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ और नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे पिछले वीडियोस को भी देख लीजिए जिसके अंदर मैंने ये सभी चीजों को बनाना कस्टमाइज करना सब कुछ अंदर सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑडियो वगैरह के बारे में सब कुछ समझाया था, ठीक है, ये सब सेटिंग्स के बारे में बताया था। तो आप जाइए वीडियो देख लीजिए, ये सब मैं थीम्स फ्री में कैसे डाउनलोड करता हूँ वो सब चीजें भी बताया हूँ। तो ये तीन वीडियो में मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है गाइस, आप भी जाइए देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। इस तरह से और भी जबरदस्त जबरदस्त वीडियो मैं लाऊंगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।